उज्जैन में ठंड का खासा असर देखने को मिल रहा है। 10 सालों में 28 दिसंबर की रात उज्जैन की सबसे सर्द रात रही। उज्जैन में ठंड का तापमान 2.5 डिग्री पहुंच गया। ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों पर ओस की बूंदें जमने लगी हैं। उत्तर भारत में हुई बर्फबारी और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शहर में चल रही ठंडी हवाओं ने तापमान को गिरने में अहम भूमिका निभाई है। मौसम प्रेक्षक के अनुसार बीती रात न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री रहा। इसके एक दिन पूर्व रात का तापमान 3.8 डिग्री दर्ज हुआ था। तापमान में तेजी से हो रही गिरावट का असर जनजीवन पर पड़ रहा है, जबकि अगले दो दिनों तक तेज ठंड से लोगों को राहत मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। मौसम प्रेक्षक के अनुसार दिसंबर माह में सबसे सर्द रात का रिकॉर्ड बीती रात टूटा है और तापमान न्यूनतम 2.5 डिग्री दर्ज किया गया। बीते वर्ष 13 जनवरी 2017 को न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन ठंड के मौसम में माह के अनुसार गणना की जाए तो बीती रात सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई है। निश्चित रूप से अभी 2-3 दिन काफ़ी ठंडक के चल रहे हैं। कल न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री हो गया था और आज 2.5 डिग्री हो गया है, जो अभी तक का सबसे कम तापमान है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में एक शीतलहर की स्थिति है। दिल्ली से लगा के पूरा जो उत्तर भारत है उसमें काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है। वो जो ठंडी हवाएं हैं वो हमारे मैदानी इलाकों में भी आ रही हैं और जिस कारण रात का तापमान काफ़ी कम हो रहा है। दिन में चूंकि अच्छी धूप खिली रहती है, बादल नहीं हैं, तो इस कारण दिन में हमको इतनी ठंडक महसूस नहीं होती है, लेकिन रात का तापमान काफ़ी कम हो गया होगा और पर्याप्त ठंडक हो रही है। सर, कितने दिन तक ये ऐसा ही मौसम बने रहेगा? ये रहता है कि हवाओं का रुख परिवर्तन हो। अभी जो नेशनल स्तर पर भविष्यवाणी की गई है वो 2 दिन तक इसी प्रकार के मौसम रहने की संभावना है। तापमान थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, उसके बाद हवाओं का जब रुख होगा, वो खासकर जब दक्षिणी हवाएं होंगी, जब तापमान धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा।